ईद आ रही है, तैयारी शैयारी की है कोई? बस तैयारी शैयारी काम कार की तो आपके सामने ही है सब। क्या क्या गरीब आदमी क्या अगर रोटी पूरी कर ले वो भी काफी है। कोई तैयारी नहीं की ऐसे ईद गुजारी? नहीं कुछ भी, कोई चीज नहीं ली। इस ईद पे हमने बच्चों को खुद कह दिया कि बेटा इस ईद पे हमें माफ करना और दिल में भी नहीं लेना। भले पीटीआई हो या नून लीग या पीपल्स पार्टी, आदमी जो है गरीब आदमी को सिर्फ घी आटा तेल ये चीजें चाहिए होती हैं जो मिलनी चाहिए, और बाकी आज अगर आप हुकूमत कहते हैं हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। सामने नाजी मैं कदीर खान और आप देख रहे हैं तस्वीर मीडिया। हुकूमत के लड़ाई झगड़ों से आवाम कितनी परेशान है आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे। बताएं ईद आ रही है, तैयारी शैयारी की है कोई? बस तैयारी शैयारी काम कार की तो आपके सामने ही है सब। क्या क्या गरीब आदमी क्या अगर रोटी पूरी कर ले वो भी काफ़ी है, तो तैयारी शादी तो उसी के काम के हिसाब से ही होता है ना। जो हालात चल रहे हैं, जो 9 मई में हुआ है, जो मसले मसाइल चल रहे हैं कि उसी को लेके कहां से कहां हुकूमत लेके जा रही है अवाम को, तो आपके सामने ही है। ईदें सिर्फ अमीरों लोगों की रह गई हैं, गरीबों की तो ईदें भी ख़त्म हो गई? नहीं वो आपके वो सबके सामने है। क्या गरीब करेगा या क्या कुछ भी नहीं, मंडी तक नहीं जा सकता। सोच में पड़ा हुआ कि बच्चों का जो है आज कम से 1400 रुपए किलो, 1400 रुपए का तोड़ा 10 किलो आटे का मिल रहा है। कोई तैयारी नहीं की ऐसे ईद? नहीं कुछ भी, कोई चीज़ नहीं ली। इस ईद पे हमने बच्चों को खुद कह दिया कि बेटा इस ईद पे हमें माफ़ करना और दिल में भी नहीं लेना, कि जो अल्लाह ताला आगे करेगा। बच्चों को समझाने की कोशिश की जा रही है, जहर क्या करे तसल्ली, और बच्चे भी देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चे भी समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब इन्होंने आटा, ये आटा नहीं बांटते लेकिन ये वहाँ जहाँ क्या समझते हैं हुकूमत किसकी ठीक है, नून लीग की या पीटीआई? हम भले पीटीआई हो या नून लीग या पीपल्स पार्टी, आदमी जो है गरीब आदमी को सिर्फ घी आटा तेल ये चीज़ें चाहिए होती हैं जो मिलनी चाहिए, और बाकी आज अगर आप हुकूमत कहते हैं हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि कभी भी हमने, हमारी उम्र तकरीबन 55 साल हो रही, हमने कभी नहीं देखा कि ये सब पार्टियां एक जैसी हो गई हों। अब अपने अपने मुफाद की जंग लड़, अपने अपने मुफाद के लिए हर बंदा जंग लड़ रहा है, अपने अपने बचाने के लिए हर बंदा जंग लड़ रहा है। ईद की तैयारी की है, कोई शॉपिंग की है, कोई बच्चों के कपड़े शपड़े लिए हैं या ऐसे ही बस गुजर रही है ईद? हम इधर काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी करते हैं कहाँ पे? इलामा इकबाल टाउन। किस चीज़ की? सिक्योरिटी गार्ड। तो मुझे बताएं कितनी तनख्वाह है? तनख्वाह है जी 21,000। हुकूमत ने यह कह दिया है किसी भी मुलाजम की 30,000 से कम तनख्वाह नहीं होगी, तो क्या इनको कोई पूछने वाला नहीं है? ये हुकूमत का काम है, ये पूछे इनसे। हुकूमत ने तो कह दिया ना कि किसी की भी तनख्वाह जो है वो 30,000 से कम नहीं होगी, हुकूमत ने तो कह दिया ना। हाँ जी। कुर्बानी कर रहे हैं? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? एक बच्चा दो बच्चियाँ, एक बच्चा दो बच्चियाँ। तो पहले जैसे ईद गुजरती थी इस तरह इस दफ़ा भी ऐसे ही है? इस दफ़ा महंगाई ज़्यादा है, उस तरीके से तैयारी नहीं कर पा रहे? हाँ जी हाँ जी, महंगाई भी ज़्यादा है पहले से, बहुत ज़्यादा महंगाई। महंगाई ज़्यादा? हाँ जी हाँ, मुश्किल हो गया है। हाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हालात जो हैं जी जी, कौन ठीक करेगा, क्या लगता है कौन सी हुकूमत आएगी हालात ठीक होंगे? हर बंदे ही परेशान है, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो कहता हो कि मैं इस दफ़ा अच्छे से कुर्बानी कर रहा हूँ, अच्छे से बच्चों की मैंने तैयारी की है, अच्छे से मैं ईद गुजारने के लिए पूरा तैयार हूँ। हर बंदा परेशान नज़र आ रहा है। ऐसे ही है, देखें ये पहले भी आप सुन चुके हैं कि वो आएगा वो ठीक कर देगा, इस मिलो गए वो आएगा वो ठीक। अब कौन आएगा, अब कोई रह गया बाकी? अभी देखें नई पार्टी बनी आपको तो पता ही है, तो वो अब सारी नई होना कुछ भी नहीं पाकिस्तान का, ये जब तक हम नहीं निकलेंगे ना बाहर। जो नई पार्टी आई है निकलेगी, ये नहीं ठीक कर सकती है। इसके अलावा जो नई पार्टी आई है उसमें कौन सा बंदा आपको लगता है कि अगर वो वज़ीर आज़म बन जाए, वो वज़ीर आला बन जाए तो बेहतरी आ जाएगी? मेरा नहीं ख्याल कोई इधर वज़ीर आला कोई इस तरह का आएगा या वज़ीर आज़म बनेगा फ़र्क पड़ेगा, ये कोई आवाम ही है। अगर वो आवाम क्या आपको आवाम इकट्ठी हो जाए, पैसे की हबस में जिंदगियाँ लोग गंवा रहे हैं, पैसे की हबस में लोग मरते जा रहे हैं, पैसे की हबस में सब कुछ हो रहा है। हुकूमतें हमारी जो हैं वो भी पैसे की हबस में लगे हुए हैं। हर बंदे की ये है कि मेरी हुकूमत आ जाए मैं पैसा इकट्ठा कर लूँ, हर बंदा अपनी जेबें भरने के लिए लगा हुआ है। लेकिन जो इस टाइम आवाम का हाल है आपने सारा देखा सब सुना है, क्या आवाम जो है इस टाइम सरापा एहतजाज है, आवाम परेशान है, आवाम का कहना है कि हम ईद की तैयारियाँ नहीं कर पाए, ईद पर ऐसे ही इन्हीं कपड़ों में ईद गुजारेंगे, कोई नए कपड़े नहीं लिए, कोई कुर्बानियाँ नहीं कर रहे, हर बंदे परेशान दिखाई दे रहा, कोई भी बंदा खुश नहीं है। हुकूमत कब ठीक होगी, हुकूमतों की अपनी लड़ाइयाँ कब ख़त्म होंगी, कब मामला सेट होंगे, ये सब अल्लाह ही बेहतर जानता है और अल्लाह ही को बेहतरी लाएगा।
वैसे इस आवाम का, इस हुकूमतों का, हुकूमतों के जो सरबरान बैठे हैं, इनका सबका अल्लाह हाफिज़। इसी के साथ ने मेज़बान को दीजिए इजाज़त अल्लाह ने के बाद।